देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बुधवार को संजय नगर तालाब में सघन सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी सभी इकाइयों द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत जल संरक्षण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं बृहद रूप से साफ सफाई अभियान चलाने के साथ अन्य सेवा से जुड़े कार्यों को किया जा रहा है। इसी तारतम्य में संजय नगर सुपेला के अमृत सरोवर की साफ सफाई सुपेला मंडल के नेतृत्व में किया गया। इस बृहद साफ सफाई अभियान में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे उपस्थित हुईं और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की परिकल्पना के स्वरूप इस सेवा पखवाड़े में सेवा से जुड़े कार्यों को करने की प्रतिबद्धता जताई। सुश्री सरोज पांडे ने अपने हाथों में झाड़ू थामकर तालाब परिसर को साफ किया। इनके साथ जिला भाजपा महिला मोर्चा की सदस्याएं भी शामिल रहीं एवं सुपेला मंडल के पदाधिकारियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। यह सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रारंभ किया गया है और 2 अक्टूबर तक अनवरत चलता रहेगा। पखवाड़े भर में आम जनमानस की सेवा से जुड़े कार्यों को किया जाएगा, जिसमें विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी हुई सभी इकाइयों द्वारा साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और क्षेत्र के सभी तालाबों, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों की साफ सफाई विशेष रूप से की जा रही है। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ विशेष कार्य आरंभ के होते हैं और इस वर्ष सेवा पखवाड़े का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़ा हम सब मना रहे हैं और उसी के तारतम्य में आज मेरा यहाँ आना हुआ है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, 75 साल पूरे होने में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों की सफाई हुआ। आज उस तारतम्य में ये अमृत सरोवर पर हम सब लोगों का आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जिला भिलाई के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। मेरे सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं बहुत सक्रियता के साथ, बहुत उत्साह के साथ, और आज ये कार्यक्रम हम अपने प्रधानमंत्री जी को समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हम अपनी एक अच्छी पहचान बनाएं, हमारी परंपराओं को हम जीवित रखें, हमारी संस्कृति को अक्षुण रखें, और हमारी संस्कृति को अक्षुण रखते हुए जो हमारी पुरानी धरोहर है हम उसे किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तारतम्य में ये अमृत सरोवर, इसे संरक्षित किया जाए, इसका उपयोग हो, और इस दृष्टि से आने वाले समय में जल संरक्षण का कार्य भी इस देश में हो, इन्हीं विषयों को लेकर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े में स्वच्छ भारत अभियान विभाग की अहम भूमिका नजर आ रही है और यह पखवाड़ा जिला स्तर पर सफल बनाने का प्रयास जिला संयोजक विनोद देवांगन के नेतृत्व में किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।